हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार। दोस्तों, आईआरसीटीसी ऑनलाइन टिकट और रेलवे स्टेशन से लिया हुआ वेटिंग टिकट की बहुत बात हो रही है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आईआरसीटीसी के वेटिंग टिकट को ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता है, जबकि रेलवे स्टेशन के वेटिंग टिकट को ऊपर आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, उसको ऑटोमेटिक नहीं कैंसिल किया जाता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे ऐसा क्यों करता है, इसी के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आईआरसीटीसी का वेटिंग टिकट हो या इंडियन रेलवे का वेटिंग टिकट हो, जब तक वो वेटिंग में रहता है तब तक आपको कन्फर्म सीट नहीं मिलती है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, अगर इंडियन रेलवे के काउंटर के वेटिंग की बात कर ले, तो जब भी आप काउंटर से वेटिंग टिकट कराते हैं और उसको अपनी मर्जी से कैंसिल कराते हैं, तो दोस्तों उस टिकट से आपको 60 रुपया काट कर दिया जाता है। और अगर आप उसके ऊपर ट्रेवल करना चाहते हैं, तो उस काउंटर से लिए हुए वेटिंग टिकट के ऊपर आप ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आजकल नए नियम आ चुका है इंडियन रेलवे का। आप काउंटर से लिए हुए टिकट से आप केवल जनरल बोगी में ही ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं, वेटिंग टिकट को लेकर आप स्लीपर क्लास में ट्रेवल करने का ऐलान इंडियन रेलवे ने बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आईआरसीटीसी के वेटिंग टिकट के ऊपर बात किया जाए, तो उसको ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता है। अगर आपका टिकट आईआरसीटीसी का कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो टिकट ऑटोमेटिकली रेलवे कैंसिल कर देता है अपने साइड से। और दोस्तों, 60 रुपया कट भी जाता है सर्विस के नाम पर। और दोस्तों, अगर इसे होने वाली कमाई के ऊपर बात कर लें, तो साल 2022 से लेकर 2023 में 2110 करोड़ रुपए कमाया है आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे ने, सिर्फ ट्रेन टिकट कैंसिल कर करके। जो ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल होते हैं, उसे दोस्तों 2110 करोड़ रुपए कमाया है आईआरसीटीसी के रिपोर्ट में, ये बात सामने आई है। दोस्तों, यह पैसा हम लोगों का है, हम लोगों का है, आम जनता का है। सर्विस चार्ज के नाम पर यह पैसा काटा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि अगर आप आईआरसीटीसी के ऐप से या वेबसाइट से अगर आप टिकट बुक करते हैं और वो कंफर्म नहीं होती है, तो वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल क्यों कर दिया जाता है इंडियन रेलवे की साइट से। तो दोस्तों, आइए इस पर बात करते हैं कि इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट को ऑटोमेटिकली कैंसिल क्यों कर देता है अगर आप आईआरसीटीसी के ऐप से या वेबसाइट से कराते हैं। तो दोस्तों, आइए इस पर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन रेलवे के काउंटर से ट्रेन टिकट बुक कराते हैं, तो आपको कोई फोटो कॉपी वाला तो ऑप्शन मिलता नहीं है, आपको केवल रियल टिकट लेकर ही यात्रा करना पड़ता है। दोस्तों, अगर ट्रेन के अंदर आपके पास रियल कॉपी नहीं होगी ट्रेन टिकट की, तो आपको विदाउट टिकट माना जाएगा और आपके ऊपर पेनाल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आईआरसीटीसी के टिकट के ऊपर तो ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है, उसके अंदर वेटिंग टिकट जब चला जाता है, तो वेटिंग टिकट जो होता है वो कोई भी डेटा नहीं होता है, ना ही कोई टीटी के पास डेटा होता है कि किस नाम से बुक हुआ है या फिर इसका अगर कंफर्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, कोई भी डेटा नहीं होता है टीटी के पास उस टिकट का। इस कारण से दोस्तों, आप फोटो कॉपी लेकर भी अलग अलग डब्बा में सफर कर सकते थे। अगर दोस्तों आईआरसीटीसी के लिए टिकट अगर कंफर्म नहीं है और वेटिंग में है, तो टीटी के पास इसके पास कोई डेटा नहीं है, और टीटी के पास डेटा नहीं रहने के कारण काफी ज्यादा लोग एक साथ एक ही टिकट के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस केस में अगर टीटी के पास कोई डेटा नहीं है उस आईआरसीटीसी वेटिंग टिकट को, तो दोस्तों उस आईआरसीटीसी से बुक किए हुए वेटिंग टिकट की नई कॉपी निकालेंगे, और पीडीएफ प्रिंट करने वाला ऑप्शन तो आप जानते ही होंगे, उसकी पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ एडिट करके नाम वहां पर अलग अलग नाम से चेंज कर दिया जाएगा, और टीटी चेक भी करने आएगा तो ट्रेन के अंदर तो वो अलग अलग नाम से होगा, टीटी को पता ही नहीं चल पाएगा कि रियल टिकट किस नाम से है। इस कारण से दोस्तों, अगर आप आईआरसीटीसी के ऐप से या वेबसाइट से टिकट बुक कराते हैं और वो कंफर्म नहीं होता है, तो वेटिंग टिकट वाले को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि आप फोटो कॉपी के ऊपर भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। और इस कारण से दोस्तों, आईआरसीटीसी के ऐप से या वेबसाइट से किया हुआ वेटिंग टिकट को
इंडियन रेलवे अलाउ नहीं करता है ट्रेवलिंग के लिए। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडियन रेलवे अलाउ क्यों नहीं करता है। अगर आपने IRCTC के वेबसाइट से या ऐप से टिकट बुक कराया और वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो, क्योंकि दोस्तों अगर IRCTC से टिकट बुक कराया है और वो कंफर्म नहीं हुआ है तो इंडियन रेलवे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है। इस कारण से क्योंकि दोस्तों IRCTC के ऐप से या वेबसाइट से किए हुआ टिकट अगर कंफर्म नहीं है तो वो डेटा जो है TT के पास अवेलेबल नहीं होता है। और दोस्तों अगर TT के पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप उस टिकट को मल्टीपल कॉपी बना कर करके PDF पे अपना नाम एडिट कर करके अलग अलग बोगी में एक ही टिकट पे आप ट्रेवल कर सकते थे। इस कारण से दोस्तों IRCTC के ऐप से या और वेबसाइट से किए हुए टिकट को अगर वो टिकट कंफर्म नहीं होता है तो इंडियन रेलवे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है। वही अगर आप इंडियन रेलवे के काउंटर से बुक कराते हैं तो उसका डेटा इंडियन रेलवे के पास होता है, और अगर आप बुक कराते हैं इंडियन रेलवे के काउंटर से तो आप रियल टिकट लेकर ही आप यात्रा कर सकते हैं। अगर उसके फोटोकॉपी लेकर जाते हैं तो इंडियन रेलवे आपको विदाउट टिकट मानेगा। तो अगर आप काउंटर से कराते हैं तो आपको रियल टिकट लेकर जाना है, और अगर आप IRCTC के वेबसाइट से ऐप से टिकट बुक कराते हैं अगर वो कन्फर्म नहीं होता है तो इस कारण से इंडियन रेलवे जो है ऑटोमेटिकली टिकट कैंसिल कर देता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आता है वो सबसे पहले आपके तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।